यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरे शत्रु होंगे, आलोचक भी होंगे। इसलिए वो लोकगीत में जो बात कही गई है वो सही कही गई है। यदि आप काम करेंगे तो आपके कई आलोचक होंगे, कई बुरे भला कहेंगे, उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं। कृष्ण तुम्हें काम करना है, तुम्हें कौरव भी गालियां देंगे, पांडव भी गालियां देंगे, आने वाले युग कई बात में करेगा भी, शायद ऐसी भी स्त्री बन जाए कि तुम्हें अपने जन्मभूमि को छोड़ना पड़े, ऋण छोड़ कर रहना पड़े, युद्ध को ऋण छोड़, इससे बड़ी गाली तुम छोड़ती है, मगर वो ऋण छोड़ भी कह रहा द्वारिका में जाकर बस गुजरात में आदिवासियों के बीच प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था कि उनका इस लोक में कुछ कार्य था, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सदामि हम, जब जब भी ज्ञान और चेतना धूमिल हो जाएगी तब तक मुझे जन्म लेना ही पड़ेगा, लूंगा और ज्ञान चेतना को वापस जागृत करके फिर किसी और लोक में चला जाऊंगा। कृष्ण ने निशांतिपन को कहा कि अगर आप आज्ञा देते हैं तो मैं अपने लोक में अपने स्थान पर अपने मथुरा जाता हूं, मगर मेरे शत्रु बहुत अघासुर बकासुर कंस रोग कौरव दुर्योधन मुझे समझने वाले तो है ही नहीं, और वास्तव में कृष्ण को समझा ही नहीं। जिंदा गुरु को जिंदा दित्व को जो पीढ़ियां नहीं समझती, हम केवल इतने गए बीते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों की पूजा करना श्राद्ध करना आरती उतारना अपना धर्म समझने लगे, जिंदा व्यक्तियों को पूजना हमारा धर्म नहीं रहा। हमने कृष्ण को गालियां दी और कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहा है अर्जुन ये सब तो नहीं समझ रहे, मगर तू तो समझ, मैं तेरा साथ नहीं हूं, मैं रथ चलाने वाला मामूली व्यक्ति नहीं हूं, अब मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता कि मैं क्या हूं, मगर तुम फिर भी समझ तो सही मैं कौन हूं। और कह रहे आप मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा मैं मित्र नहीं हूं तुम्हारा, मैं तो ये सारे महाभारत युद्ध को मैं चला रहा हूं, तुम उसमें कुछ नहीं हो, ये विष्णु कुछ नहीं है, दृश्य कुछ नहीं है, ये तो सब कुछ एक संकेत है, मगर ये होना ही है, ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम जरूर विजय प्राप्त करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, जब मैं तुम्हारे साथ में हूं वहां विजय होगी ही, मगर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। और सारी गीता और कुछ नहीं, केवल अर्जुन को ये समझाने की क्रिया है कि मैं क्या हूं और मैं इसलिए क्या हूं कि तुम्हारे जन्म चक्षु मेरे जैसे दृष्टि को देख नहीं पा रहे अर्जुन, और ये तो मदान्ध है ये गौरव और ये पांडव, इनमें वो आत्मचक्षु नहीं है, और मैं हरेक को आत्मचक्षु कहां से दूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करना चाहता हूं, वह तो एक प्रतीक है, एक व्यक्ति को खड़ा करने का मतलब एक युग को खड़ा किया, एक संस्कृति को खड़ा किया, एक चेतना को खड़ा किया, अर्जुन को खड़ा करना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वह तो एक मैं अगर मान लो तुम्हारे पूरे लोगों को आप हल्ला कर रहे हो, क्लास में 40 लड़के हल्ला कर रहे हैं, तो बहुत समझदार अध्यापक 40 लड़कों को बाहर डाल देगा नहीं, एक लड़के बुला के थप्पड़ मार देगा तो 39 लड़के अपने आप से हो जाएंगे, वह तो एक अर्जुन को खड़ा करने की क्रिया का मतलब है उस युग को खड़ा करने की क्रिया कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझमें कायरता है बुद्धि है, मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा। और कृष्ण अपना विराट रूप दिखाए, अंत में वो यो समझाते हैं कि तू यो समझ ले कि सारी नदियों में मैं गंगा नदी हूं, अब यो समझ ले सारे वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं, मैं मनुष्यों में पुरुषोत्तम हूं, मैं दो आठ दो पाम माला खाली कृष्ण ही नहीं हूं, वासुदेव ही नहीं हूं, मैं बहुत विचित्र हूं और जीवित विचित्र हूं, अगर अभी अर्जुन तू मुझे नहीं पहचानेगा तो
तो आने वाली पीढ़ियां और तुम एक बहुत बड़े चिंतन में डूब जाओगे कि हमने उस आदमी के साथ न्याय नहीं किया। बस तो एक गीता का एक परिच्छेद, मैं तो श्रीमद् भागवत के उस श्लोक को समझा रहा था। सांदीपन ने कहा कि फिर भी तुम मांग लो, जो कुछ तुम चाहते हो वो मांगो, कि तुम शिष्य हो, मेरी सेवा की है, जंगल से लकड़ियां काट के लाए, रोटी बनाई, मेरे पैर दबाए हैं, मेरी सेवा की है, और मेरा धर्म और कर्तव्य यह है कि मैं तुम्हें दूं, नहीं दूंगा तो मेरी भी मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, और तुम नहीं लोगे तो ज्ञान मेरे शरीर के साथ ही समाप्त हो जाए, इसलिए तुम जो चाहते हो वो मांगो। कृष्ण तो तब तक मंत्र तंत्र योग वस्त्र निर्माण का आयुर्वेद सब कुछ शांति तंत्र सीख चुके, ऐसा कोई चेतना थी नहीं, ऐसा कोई ज्ञान था ही नहीं जो सीखना बाकी था, उनसे और क्या सीखते थे। मगर उस गुरु की विराटता को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाए, गुरु को देखा था, उनका जो विशाल व्यक्तित्व है, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाला व्यक्तित्व है, उसको अपने अंदर समाहित करने की क्रिया नहीं थी, गुरुत्व को अपने अंदर स्थापित करने की क्रिया नहीं थी। सीखा, सीखने का मतलब है दो चीज अलग अलग होंगी, सीखा तब जाएगा जब दो अलग अलग चीजें होंगी, एक सामने सुनने वाला, एक बताने वाला, जब दो है तब एकात्म नहीं होता, एकात्म में दो अलग हो नहीं सकते। और अभी तक तो कृष्ण मन में सोचा कि इन्होंने अलग खड़े होकर के मुझे सब सिखाया है, इसलिए मैं शिष्य हूं, ये गुरु है, मगर मैं खुद पूर्ण को प्राप्त तो तब करूंगा जब इनको पूरे शरीर को अपने अंदर आत्मसात करूंगा, इन गुरुत्व को, इस चेतना को, इनके हाथ पर खाटूंगा। गुरुत्व को अंदर समाप्त करने का मतलब ये नहीं होता कि गुरु को पकड़ करके मुंह में डालने का और अंदर बिठा देने का, उनके सारे ज्ञान, सारी चेतना, सारी ब्रह्मांडता को अपने अंदर समाहित कर देने की क्रिया, एक अपने आप में पूर्ण पुरुष योगेश्वर कहलाने की क्रिया, जो गृहस्थ में रहता हुआ भी योगी कहला सकता है, उस ब्रह्मांड को अपने शरीर में, अपने वक्षस्थल में समाहित करने की क्रिया, क्योंकि वह तो गुरु के पास अभी अद्वैत भाव रहा, अद्वैत भाव होना, इसलिए शंकराचार्य ने कहा जीवन की पूर्णता शिष्य को कहा तब होगी जब तुम अद्वैत हो जाओगे। द्वैत में दो हिस्से हैं अलग अलग, कृष्ण ने कहा कि आप गुरु हैं, मैं तो जीवन भर आपसे मांगूंगा और आपने मुझे इतना अधिक दे दिया है कि मेरी यथाशक्ति मैं इस पृथ्वी लोक पर वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकूंगा, मगर फिर भी तो आपकी आज्ञा है, तो आपका संपूर्ण गुरुत्व, आपकी संपूर्ण चेतना, आपका संपूर्ण ज्ञान, आपकी संपूर्णता और आपकी आपके अंदर से संपूर्ण ब्रह्मांड का मेरे अंदर समाहित हो जाए और मेरे अंदर अपने आप में आत्मसात हो जाए, मैं ये चाहता हूं। यदि आप लेना चाहते हैं तो फिर ये दे। सांदीपन अक्रोश गए, एकदम से ठगे से खड़े गए, कैसा मान लिया, ऐसा तो सोचा ही कि कृष्ण इतना अधिक चतुर भी हो सकता है कि और से तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कोई और बात मांगी, किसी ने और बात मांगी, मगर ये तो संपूर्ण गुरुत्व को ही अपने अंदर समाहित, इसके बाद तो बच्चे का भी क्या, फिर क्या चीज रह जाएगी, फिर पृथ्वी लोक में इनका सामना कर भी कौन सकेगा, फिर किसमें हिम्मत होगी कि इनके सामने खड़ा हो सके, ताकि सन्यासी योगी भगवे कपड़े पहन के खड़े हो सकते हैं, भगवे कपड़े पहन सकते हैं, उनकी ज्ञान की चेतना के आगे वो खड़ा नहीं हो सकता। स्वामी ने कहा कृष्ण तुम चतुर,
मगर आज का दिन जब मैंने पूछ ही लिया है कि तुम क्या चाहते हो, जब तुमने मांग ही लिया है कि तुम क्या चाहते हो, तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। और यह देने के बाद कुछ बाकी रहेगा ही, अपने आप में संपूर्ण चेतना, संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को देखने की क्रिया, ब्रह्मांड में विचरण करने की क्रिया तुम्हारे अंदर स्थापित होगी ही, क्योंकि मैं संपूर्ण गुरुत्व तुम्हारे कहने से मैं तुम्हें दे रहा हूं, चेतना युक्त बना रहा हूं, ब्रह्मांड युक्त बना रहा हूं, पूर्ण कृत बना रहा हूं, पूर्ण पुरुष बना रहा हूं। और उन्होंने गुरुत्व प्राप्ति दीक्षा के माध्यम से उस पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण के अंदर उतारा, चेतना दी, धड़कन दी, अपने सारे ज्ञान को उसके अंदर समाहित किया। अन्यथा तो एक शिष्य आप लोग बस 1000 वर्षों तक मेरे पास से बने रहे, सीखते रहे, मैं तो सुधर रहा हूं, अंत मेरा तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास इतना अधिक ज्ञान का समुद्र तुम कब तक तैर के पार करोगे। तुम मंत्र सीख लोगे तो मैं तंत्र सिखाऊंगा, तुम तंत्र सीख लोगे तो मैं आयुर्वेद सिखाऊंगा, तुम आयुर्वेद सीख लोगे तो मैं ज्योतिष सिखाऊंगा, तुम ज्योतिष सीख लोगे मैं कर्मकांड सिखाऊंगा, पंडित बोल रहे मुझसे अच्छा बोलूंगा मंत्र, अभी आप देख रहे तुम कब तक क्या क्या सीखोगे। मगर उस गुरु को अपने अंदर में समाहित करने के बाद गुरु के पास बचेगा भी और तब अद्वैत भाव रहेगा भी, तब तो अद्वैत हो ही जाएगा, फिर अलग नहीं रहेगा, फिर गुरु शिष्य का अलग अलग हिस्सा नहीं होगा, फिर एकात्मता है, फिर मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं होती, फिर उंगलियों पर मालाएं पहनने की जरूरत नहीं होती। मैं सोचता हूं कि कालचक्र तो निरंतर गोलाई में प्रवेश होता रहता है, जो क्षण जाता है वो क्षण वापिस घूमता घामता आता ही, जो अद्वितीय व्यक्तित्व तिरोहित होता है किसी लोक में जाता है उसको वापिस इस लोक में जन्म लेना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि जन्म लेने की क्रिया उसके हाथ में होती है, 2000 साल बाद गए या 5000 साल बाद गए, कहां जन्म ले और जीवन में क्या करे। और मैंने कहा कि यदि द्वापर जैसे युग में कृष्ण को नहीं समझ पाए तो कलयुग में भी आप लोग नहीं समझ पाए, मगर समझना और नहीं समझना तो एक अलग बात है। उस क्षण को उतारना गुरु का एक कर्तव्य है। मैं सांदीपन के उस क्षण को जिस क्षण में उन्होंने जिस क्षण के साथ अपने पूरे ब्रह्मांड को अपने पूरे गुरुत्व को शिष्य में कृष्ण में समाहित किया था, जिस साधना के माध्यम से, जिस दीक्षा के माध्यम से, जिस गुरुत्व संपूर्ण ब्रह्मांड गुरुत्व दीक्षा के माध्यम से श्रीमद् भागवत में इसका पूरा उल्लेख है और गोपनीय तरीके से उल्लेख है कि ये दीक्षा कैसे दी जाए, मामूली दीक्षा नहीं, अपने आप में तलवार की धार पर चलने वाली दीक्षा है, अपने आप को पूरी तरह से शिष्य के अंदर समाहित कर देने की दीक्षा है। और मैंने 3 दिन पहले तुमसे वायदा किया कि तुम्हें मैं बहुत कुछ देना चाहूंगा और आज मैं अपने आप को तुम्हारे हृदय के अंदर पूरी तरह से उतार देने की दीक्षा दूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य यदि आप समझ सकें नहीं हो, इतनी दीक्षा को लेने के लिए पूरे 18 साल तक मैं जंगलों में भटका था, धूप में, गर्मी में, कांटों भरे रास्ते में, बर्फीले रास्ते में, और जितना दुख और वेदना और बाधाएं और परेशानियां मैंने झेली हैं पृथ्वी पर कोई व्यक्ति झेल नहीं सकता, ये मैं बड़प्पन की बात नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन को कैसे झेला है।